वेल गाइस, तो लोकी के पहले एपिसोड को अगर एक लाइन में रिव्यू करो ना, तो कहा जा सकता है ब्रिलियंट, कॉमिकल और इमोशनल एपिसोड ऑल इन ऑल था। और यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लोकी के पूरे एपिसोड को कुछ ही मिनट्स में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो गाइस, लोकी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एवेंजर्स टाइम ट्रैवल करते हैं और यहाँ पे टेसरैक्ट लेके लोकी जो है वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद लोकी सीधा लैंड होते हैं गोबी डेजर्ट यानी कि मंगोलियन डेजर्ट में, जहाँ पे वो उससे पहले आयरन मैन के स्टाइल में उठ खड़े हो पाते, वहाँ पे पहुँच जाते हैं, टपक जाते हमारे हंटर्स और हमारे मिनटमैन, जो कि यहां पे रोकते हैं लोकी को और उन्हें डिटेन कर लेते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और नोट करने वाली बात यह होती है कि यहां पे लोकी अपनी पावर्स जो है इन हंटर्स के ऊपर यूज नहीं कर पाते हैं, बल्कि यहां पे अपनी स्टिक से जो है ना वो यहां पे एक ही मुक्का मारते हैं और लोकी जो है हवा में बिल्कुल फ्री से या फिर स्लो से हो जाते हैं, जो कि टेसरैक्ट की एक बहुत ही बड़ी खासियत है। जिस तरीके से थैनोस ने रोका था यहाँ पे लोकी को छुरी मारने से उन्हें, वैसा ही कुछ यहाँ पे लोकी के साथ होता है। और यहाँ पे फाइनली डिटेन करके ले जाते हैं यहाँ पे टाइम वेरियंस अथॉरिटी में। लेकिन नोट करने वाली बात ये भी है कि यहाँ पे जब लोकी को ले जा रहे होते हैं टेसरैक्ट के समेत, तो यहाँ पे हंटर्स मिनटमैन से कहता है कि टाइम लाइन को रिस्टोर करो, और वहाँ पे कुछ जो है टाइम सैंड टाइम जैसा जो है एक बॉटल सी लगाई जाती है, जो कि एक्चुअली में हो सकता है कि लोकी का डुप्लीकेट वर्जन टेसरैक्ट के साथ जो है वापस से उनकी मेन टाइम लाइन में भेज दिया जाए, यानी कि 2012 वाली टाइम लाइन में भेजा जाए जहाँ पे लोकी भागे थे, और वहाँ पे जो है वो टाइम लाइन फिर से आराम से अपने ही फ्लो में चले, यानी कि उस टाइम लाइन के साथ बिल्कुल भी कोई छेड़छाड़ अभी तक तो नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे जूं ही लोकी टीवीए में पहुंचते हैं तो वो हर किसी चीज को मजाक में लेने लगते हैं, यानी यहां तक कि वो पूरे नंगे भी हो जाते हैं, जैसे जेल का प्रोसीजर होता है, नंगे होने के बाद भी उनको कोई अकल नहीं आती, यानी कि उनको अपने प्रिजनर क्लोथ्स मिलते हैं, और यहां तक कि उन्हें अपनी हर बात का हिसाब देना पड़ता है, यानी कि जो भी बात वो बोले, चाहे वो क्वेश्चन मार्क ही क्यों ना बोले या फिर कोई एक ही वर्ड क्यों ना कहे, आ भी करे, तो भी यहां पे उन्हें साइन करना पड़ता है हर एक डॉक्यूमेंट पे। और इसके बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है ज्यूरी के सामने या फिर जज के सामने या फिर मिस मिनट्स के सामने, जो कि उन्हें इंट्रोडक्शन देती है कि एक्चुअली में टीवीए क्या है और क्यों लोकी वहां पे, जहां पे हमें यह पता चलता है ऑफिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम इन एमसीयू कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट एमसीयू में पहले से था या फिर अर्थ में पहले से था, जहां पे ये रिवील किया जाता है कि मल्टीपल टाइमलाइंस जो थी वो एंशिएंट टाइम से आपस में लड़ती रहती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो फ्लो ऑफ टाइम था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, और इसी ऑर्डर को, यूनिवर्स के ऑर्डर को कायम करने के लिए अपीयर हुए तीन टाइम कीपर्स, जो कि टाइम के फ्लो को मैनेज करते हैं या फिर टाइमलाइन को चेक में रखते हैं, और उन्हीं टाइम कीपर्स ने क्रिएट किया टीवीए को, जहां पे उन्होंने यहाँ पे फोर्सेस क्रिएट की, जैसे कि मिनटमैन्स क्रिएट किए, हंटर्स क्रिएट किए, यहाँ पे मोबियस जैसे एजेंट्स को क्रिएट किया, ताकि वो वेरिएंट्स को या फिर एनोमलीज को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे टाइमलाइंस को सिक्योर कर पाए। लेकिन इसके बाद हमें बताया जाता है कि लोकी को प्रेजेंट कर दिया जाएगा जज के सामने, जो कि होती है रेना रेंसलेयर, जिनके सामने लोकी को पेश किया जाता है, जहाँ पे फिर से लोकी हर किसी चीज़ों को मजाक में लेने लगते हैं, इवन वो अपनी पावर्स भी यूज़ नहीं कर पाते हैं जज के सामने, जहाँ पे वो भागने की कोशिश या फिर टेलीपोर्ट होने की कोशिश करते हैं या फिर इल्यूजन का पावर यूज करने की कोशिश करते हैं, वहां पे वो अपने नेक बैंड की वजह से, जो कि हंटर B-15 ने उनके ऊपर लगाया हुआ होता है, तो उसकी मदद से भैया वो तो कुछ कर नहीं पाते हैं, जिसके सामने यहां पे एक तरीके से हंसी छूट जाती है सभी टीवीए मेंबर्स या फिर ज्यूरी मेंबर्स की, जो कि वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जाने अनजाने में अपने आप को गिल्टी प्लीड करते हैं, जिसके बाद यहां पे रिसेट यानी कि सजा मिलने वाली होती है लोकी को। लेकिन यहीं पे सीन शिफ्ट होता है मोबियस के साथ, जहां पे हमें दिखाया जाता है कि एक मिस्टीरियस चर्च में, जो कि 1549 की टाइमलाइन है फ्रांस में, वहां पे एक चर्च में एक मिनट मैन का यानी कि एक टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के मेंबर का मर्डर हो चुका, और ये मिस्टीरियस मर्डर पहला नहीं है, बल्कि इससे पहले 6 मर्डर्स और हो चुके हैं यहां पे मिनट मैन्स के, यानी कि ये केस इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं हमारे ओवन विलियम्स यानी कि AKA मोबियस, जो कि कहते हैं कि हमें इस किलर को बहुत ही जल्द आइडेंटिफाई करना होगा। लेकिन इससे पहले कुछ और यहां पे हमें रिवील होता है, जहां पे हमें मोबियस जो है वो एक छोटी बच्ची से बात करते हुए नजर आते हैं, जो कि शायद उस टाइमलाइन की नहीं होती है, और यहां पे वो ऑर्डर करते हैं हंटर्स को कि इसे अपनी टाइमलाइन में यहां पे ले जाया जाए। लेकिन यहां पे रिवील ये होता है कि लोकी की फाइल जो है हवाले की जाती है उसी टाइमलाइन पे मोबियस के हाथ में, जहां पे वो सीधा उस जज के सामने यानी कि रेंसलेयर के सामने पहुंच जाते हैं,
कि लोकी को सजा ना दिया जाए क्योंकि यह बहुत ही काम का बंदा है। लेकिन यार अभी गॉड ऑफ मिस्चीफ से पूरी तरीके से पाला किधर पड़ा था यहाँ पे मोबियस का। तो जब मोबियस जो है वो लोकी को अपने साथ ले जाते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पे एवेंजर्स को डिफीट करने की कोशिश की और तुम हर उस चीज से यहाँ पे बच के भाग जाते हो, क्योस करने के बाद भाग जाते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। और लोकी के आड़े तेढ़े जवाबों में हमें ये पता चलता है डीवी कूपर वाला जो इंसिडेंट होता है ना, वो भी जहाँ पे उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो लोकी ही होते हैं और उन्होंने थॉर से बेट लगाई हुई होती है, यानी कि वो थॉर से शर्त हार गए होते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे अर्थ पे आते हैं वो सारा कैश जो है बॉम्ब का नाटक करके यहाँ पे चुराने के लिए अर्थ से लेके जाने वाले होते हैं एज गार्ड। एक्चुअली में जो ओवन विल्सन है उनको एक मिस्टीरियस मिशन के लिए लोकी की मदद चाहिए और यहाँ पे वो लोकी को पूरी फाइल, जिस तरीके से अभी कई सारे यूट्यूबर्स ने आपको यहाँ पे लोकी का रिकैप नहीं दिखाया, वैसे ही हमें एवेंजर्स का रिकैप दिखाया यहाँ पे किस तरीके से क्या होता है जब यहाँ पे लोकी को ले जाया जाता है एसगार्ड वापस से, किस तरीके से वो रीजन बनते हैं अपने मॉम के मरने का। और यहाँ पे हमें जब आनाकानी करते हुए नजर आते हैं और मोबियस को डिस्ट्रैक्ट कर देती है B-15 हंटर, जहाँ पे उनके पास एक और इन्फॉर्मेशन पहुँचती है उसी किलर, उसी मिस्टीरियस किलर के बारे में जो कि यहाँ पे किल कर रहा होता है TVA के मिनट मैंस को। तो यहाँ पे उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के नेकबैंड के रिमोट कंट्रोल को चुरा लेते हैं वो मोबियस से और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किधर पे, वहीं पे जहां पे उन्होंने पहले अपना टेसरैक्ट केसी नाम के बंदे के सामने जमा करवा दिया था। और यहां पे लोकी को पता चलता है कि उनका टेसरैक्ट नहीं बल्कि बहुत सारे इंफिनिटी स्टोन्स वहां पे हैं जो कि एक तरीके से पावरलेस पड़े हुए हैं। और यहां पे कहीं ना कहीं लोकी जो है जब वापस जाते हैं अपने टीवीए वाले रूम में जहां पे ये सारी फाइल्स या फिर अपना रिकैप जब दिखाया जाता है उन्हें एवेंजर्स का, थॉर द डार्क वर्ल्ड का, वहां पे उन्हें ये पता चलता है जब वो टेसरैक्ट को यूज करने की कोशिश करते कि एक्चुअली में टेसरैक्ट किसी काम का नहीं है बल्कि जो भी इंफिनिटी स्टोन्स टीवीए में पड़े हुए हैं वो उस टाइमलाइन में या फिर टीवीए में किसी काम के नहीं है, वो उनका यूज बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं अगर वो चाहते भी कितना ज्यादा। लेकिन यहां पे ये सब कहते हुए या फिर ये सब सोचते हुए लोकी जो है अपने आगे की फाइल चलाते हैं कि एक्चुअली में थॉर डार्क वर्ल्ड के बाद क्या होता है, उनके मां के मरने के बाद क्या होता है, ओडिन के सीन्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा इमोशनल थे और उनके थॉर के साथ कुछ कॉन्वर्सेशन जो कि अच्छी कन्वर्सेशन होती है थॉर रैग्नारोक के टाइम पे जब थॉर हग करने की बात करते हैं या फिर जब थानोस उन्हें मार देते हैं और कहते हैं नो रेजरेक्शंस दिस टाइम। और इसी दौरान जब B-15 जो है रूम में एंटर होता है तो यहां पे लोकी जी उनके साथ फाइट करके उन्हीं के ऊपर उल्टा जो है नेक बैंड टेलीपोर्टेशन वाला वो लगा देते हैं जिसके बाद वो टाइम लूप वाला बैंड जो है उसकी मदद से वो और जगह जो है B-15 हंटर को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद यहां पे ओवन विल्सन आते हैं और वो लोकी से फाइनली कहते हैं कि यहां पे वो रूल करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता है। और लोकी को जब ये रियलाइज होता है कि अगर वो अपनी मेन टाइमलाइन में वापस भी जाता है तो इसका कोई फायदा नहीं, तो ओवन विल्सन से वो कहता है कि तुम्हें मुझसे किस टाइप की मदद चाहिए। और ये टीवीए जो है ना, मुझे अभी तक तो ये जोक लग रहा था लेकिन टीवीए जो है अब फॉर्मेडेबल है, यानी कि एक बहुत ही जबरदस्त तगड़ी जगह है। और यहाँ पे मोबियस हमारे रिवील करते हैं कि एक्चुअली में जो टाइम वेरिएंट अभी जो है बहुत सारा क्योस, बहुत सारी किलिंग कर रहा है यहाँ पे वेरियस अथॉरिटी के फोर्सेस की, वो कोई और नहीं बल्कि लोकी का डॉपलगैंगर है, यानी कि लोकी का एक डुप्लीकेट वेरिएंट वर्जन है। अब यहां पे सीन सीधा शिफ्ट होता है और वो शिफ्ट होता है यहां पे ओकलहोमा 1859 के आसपास, जहां पे एक अंधेरी रात में सुनसान राहों पर एक मिस्टीरियस मास्टर मैन जो है ना वो एक टाइम वेरियस अथॉरिटी के फोर्सेज या फिर मिनट मैन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक करता है और अटैक कैसा कि वो उनको एक आग के घेरे के अंदर फंसाकर मार देता है जलाकर। और यहीं पे खत्म होता है लोकी का पहला एपिसोड। एंड में हमें इस इमेज में वही डिवाइस दिखाई देता है जो कि यहाँ पे स्टार्ट में यूज किया गया था लोकी की उस बिगड़ी हुई 2012 वाली टाइमलाइन को सुधारने के लिए। और प्रोबेबली यहाँ पे ये करने से इस वेरिएंट ने जो ये मास्क मैन है उन्हें यहाँ पे उसने यहाँ पे इनको रोका है और ये शायद जो है विलन लोकी ही है या फिर कोई मोबियस की या फिर टाइम वेरियस अथॉरिटी की किसी ऐसी मेंबर की चाल है जो कि जानता है कि टाइम वेरियस अथॉरिटी किस तरीके से काम करती है। और आने वाले एपिसोड्स में हमें और भी डिटेल्स मिलेंगी। सो गाइज, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत ही जल्द मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।